सेमीफाइनल में कौन जाने वाला है। भारत जो है वो इस वक्त एक थिन थ्रेड के साथ लटका हुआ है, और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान का मैच जो है सेमीफाइनल वो ऑस्ट्रेलिया से होने जा रहा है। के सेमीफाइनल में कौन जाने वाला है? पाकिस्तान तो ग्रुप बी में से ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक एक मैच भी नहीं हारा, तो पाकिस्तान हैड एवरीथिंग सॉर्टेड। तो पाकिस्तान तो पहुंच चुका है ऑलरेडी, क्वालिफाइड का क्यू जो है ना वो लग चुका हुआ है पाकिस्तान के साथ। तो अब दूसरा जो एक इस पूल में से दूसरा जाने वाला, भारत जो है वो इस वक्त एक थिन थ्रेड के साथ लटका हुआ है, और उसकी उम्मीदें जो है ना वो सारी की सारी अफगानिस्तान वाले मैच पे हैं। वो चाहता है कि अफगानिस्तान किसी तरह न्यूजीलैंड को हरा दे, और न्यूजीलैंड को हराने के बाद वो क्वालिफाई कर सकता है। बेसिकली वो उसको हरा देगा तो तीन ए टीमों का आपस में टाई हो जाएगा, बेसिकली इंडिया का, अफगानिस्तान का और न्यूजीलैंड का, तीनों के पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे। और अगर तीनों के पॉइंट्स इक्वल हो जाते हैं तो फिर रन रेट पे मामला आ जाएंगे, और रन रेट पे मामला आएंगे तो इंडिया का रन रेट ऑलरेडी जो इस वक्त है ना वो करंटली बेहतर है। उसके अलावा इंडिया के पास एक और मैच अभी नामीबिया वाला मौजूद है, कल के मैच से उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि हमें अब और मजीद क्या किस तरह खेलना है, किस तरह नामीबिया के मैच में जाना है। नामीबिया को वो बहुत अच्छे मार्जिन से अगर हरा देंगे तो वो अपना रन रेट मजीद बेहतर कर लेंगे और वो फाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये है बेसिकली वो सूरत के जिसमें इंडिया सेमीफाइनल में जा सकता है। दूसरे पूल में अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ से इंग्लैंड जो है वो लगातार जीतती आ रही है, वो अभी अपना आखिरी मैच सिर्फ साउथ अफ्रीका से हारी है, वो भी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो दूसरी टीम का मसला है कि वहां से दूसरे नंबर पे कौन आता है। तो उसके लिए दो कंटेंडर्स थे, एक का नाम था साउथ अफ्रीका और दूसरे का नाम था ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों टीमें जो थी वो उस पूल में पहुंच तो गई हैं ऊपर, लेकिन ये अपनी बेस्ट ऑफ फॉर्म्स में नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया जिसका एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी टीम कंसीडर की जाती है, वो भी T20 में उनकी रैंकिंग कोई छठी सातवीं चल रही है, तो वो भी एक बहुत अच्छी कोई पावरफुल टीम नहीं है। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका उनसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी रैंकिंग भी इससे ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है। तो पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान अपने पूल में नंबर वन पे है, तो उसका दूसरे पूल के नंबर टू के साथ मैच होगा, बेसिकली क्रॉस होता है। फर्स्ट वन जो होते हैं उसका सेकंड से होगा दूसरे पूल के, और दूसरे पूल के फर्स्ट का इस पूल के सेकंड के साथ होगा। तो हमारा दूसरे पूल के सेकंड जो पोजीशन आएगी उसके साथ मैच होगा, जो कि अब बन रही है, बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि अभी इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो दूसरे नंबर पर क्वालिफाई कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान का मैच जो है सेमीफाइनल वो ऑस्ट्रेलिया से होने जा रहा है। दूसरी तरफ इंग्लैंड है, इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुका है, कल के मैच से बेसिकली ये डिसाइड होगा कि इंग्लैंड का सेमीफाइनल किसके साथ होता है, वो इंडिया के साथ होता है या न्यूजीलैंड के साथ होता है। चांसेस न्यूजीलैंड के ज़्यादा हैं, न्यूजीलैंड इजीली अफगानिस्तान को हरा के क्वालिफाई कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर किस्म का वो डिस्टर्बेंस ना हो जाए, कोई अपसेट ना हो जाए। अब कुछ बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल में क्या पोजीशन होने वाली है। पाकिस्तान को सामने आ रही है ऑस्ट्रेलिया, और पाकिस्तान अपने पहले चार मैच सिर्फ इसीलिए बहुत अच्छी तरह से जीत पाया है क्योंकि हम दुबई में खेल रहे हैं, यूएई में खेल रहे हैं, और यूएई जो है वो एक अरसा से पाकिस्तान का होम ग्राउंड रहा है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट इन एग्जाइल, तो हमने यूएई को ही हमारा होम ग्राउंड बनाया, एक ऐसी जगह बना ली है हमने। हम सबसे ज़्यादा अगर कोई टीम इधर की कंडीशन से वाकिफ है और इधर के साथ फ्रेंडली है तो वो पाकिस्तान ही है। इसी वजह से
ये यही वर्ल्ड कप अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता, इंग्लैंड में हो रहा होता, तो हमारी शायद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना होती जितनी हमारी अब है। तो एक बहुत बड़ा हमें एज इसलिए हासिल है क्योंकि वी आर काइंड ऑफ प्लेइंग इन आवर होम ग्राउंड। अच्छा, तो होम ग्राउंड का एडवांटेज पाकिस्तान को हर सूरत में है। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी स्ट्रगलिंग है, ऊपर से दुबई की यूएई की कंडीशंस के साथ वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। उनके बहुत बड़े जो प्लेयर्स हैं, मतलब वार्नर हो गया, स्मिथ हो गया और मैक्सवेल हो गया, वो चल नहीं रहे हैं इन कंडीशंस में। उनके बैट पे बॉल ही नहीं आ रहा है। जिस तरह की हिटिंग्स के लिए वो जाने जाते हैं, वो करने में नाकाम रहे हैं। वो उसका बहुत बड़ा जो ताल्लुक है वो कंडीशन से ही है। ऊपर से पाकिस्तान जैसी बॉलिंग को जब वो फेस करेंगे, वो भी दुबई की कंडीशंस में, तो उनके लिए ये भी बहुत मुश्किल होने वाला है। तो चांसेस यही हैं, अगर कहा जाए कि उन दोनों में सेमीफाइनल में कौन फेवरेट है, तो फेवरेट बिल्कुल पाकिस्तानी है, अनटिल अनलेस कोई मेजर सेटबैक ना हो जाए, कोई अपसेट ना हो जाए। अगर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हराता तो इट वुड बी एन अपसेट। ये कोई बहुत बड़ा बेहतरीन किस्म का मैचअप नहीं है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंग्लैंड जो है वो फ्लॉलेस विक्ट्रीज में आ रहे थे, मुसलसल जीतते आ रहे थे। अभी फाइनल उन्होंने अभी जो लास्ट मैच है वो साउथ अफ्रीका से हारे हैं। वो उससे पहले वो तमाम तर मैचेस अपने जीते हुए आ रहे थे, तो दे आर इजीली क्वालिफाइंग फॉर द फाइनल। दूसरी तरफ से अगर इंडिया जाती है हमारे पूल से उनके साथ सेमीफाइनल खेलने, तो इंडिया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा उसके लिए, इंग्लैंड के लिए। अगर न्यूजीलैंड जाता है तो उनकी अभी लास्ट वर्ल्ड कप वाली राइवलरी चल रही है, पहले भी वो फाइनल में मीट किए थे एक दूसरे को, तो न्यूजीलैंड को हरा दिया था इंग्लैंड ने। तो अब देखते हैं, अगर न्यूजीलैंड जाता है और वो इंग्लैंड से मीट करता है तो इट वुड बी अ रिवेंज मैच। बेसिकली वो लास्ट वर्ल्ड कप का रिवेंज मैच बन जाएगा, जो कि एक बहुत ही देखने वाला मैच होगा। तो इन दोनों सेमीफाइनल्स की सूरत हाल आपके सामने है। फाइनल में पाकिस्तान बज़ाहिर लग रहा है कि इजीली क्वालिफाई कर जाएगा, और दूसरी तरफ से अब उसे देखना है कि इंग्लैंड आता है या न्यूजीलैंड आता है या इंडिया आता है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के चांसेस ज़्यादा हैं, और उनमें से भी आगे इंग्लैंड के चांसेस ज़्यादा हैं। दोनों पूल्स में, हमारे पूल में पाकिस्तान सबसे अच्छा परफॉर्म करता है और दूसरे पूल में इंग्लैंड अच्छा परफॉर्म करता है, तो यही दो बेस्ट डिजर्विंग टीम्स अगर देखा जाए तो दोनों पूल से यही बेस्ट डिजर्विंग टीम्स हैं, और इन्हीं का फाइनल होना चाहिए। तो इंग्लैंड और पाकिस्तान का अगर फाइनल होता है तो पाकिस्तान को होम कंडीशंस का एडवांटेज है, लेकिन इंग्लैंड नंबर वन टीम चल रही है, इंग्लैंड की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, और उन्होंने दूसरे पूल में सब टीमों को इसी ग्राउंड पे, इसी सॉइल पे, साउथ यूएई में सबको हरा के बताया कि वो किसी भी कंडीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, फिर चाहे आगे उनके पाकिस्तान ही आ जाए। तो फाइनल इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी कम्पटिटिव मैच, और अगर कोई मिरेकल हो जाता है और इंडिया किसी तरह फाइनल में पहुंच जाता है तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल, ये तो जिसे बोलते हैं ना ड्रीम कम ट्रू होगा आईसीसी के लिए, बीसीसीआई के लिए, इंडिया पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि इससे बड़ा फाइनल कोई एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है, आईसीसी के जिसे बोलते हैं ना चांदी हो जाएगी, टिकट्स बहुत ज़्यादा बिकेंगी, 1 बिलियन से ज़्यादा आवाम जो है इंडिया पाकिस्तान की वो इस मैच को लाइव देखेगी, ब्रॉडकास्टर्स की चांदी, ग्राउंड्स की चांदी, क्रिकेट की चांदी, आईसीसी की चांदी, बीसीसीआई की चांदी। तो फाइनल इंडिया पाकिस्तान का लोग तो चाहते हैं, लेकिन चांसेस उसके बहुत कम हैं, और एक मिरेकल चाहिए उसके लिए।